हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तानिस किचन डायरी। आज मैं आप लोगों के साथ एक हेल्दी एंड टेस्टी वेज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी का नाम है मिक्स वेजिटेबल फ्राई। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। मिक्स वेजिस फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है आलू, गाजर, एक गाजर मैंने ऐसे लंबे लंबे से काट लिया है, कॉलीफ्लावर, रेड, येलो एंड ग्रीन बेल पेपर और बेबी कॉर्न। आप कोई भी सब्जियां ले सकते हो इसको बनाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ वो है सफ़ेद तिल, काला तिल, ये हरी मिर्च कटी हुई, ये है तिल का तेल, ये है सोया सॉस, चिली सॉस, मैंने यहाँ पे सोया नगेट्स उबाल के बॉइल करके लिया है, यहाँ पे है लहसुन, यहाँ पे अदरक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट और यहाँ पे ग्रीन गार्लिक और ये है स्प्रिंग अनियन। तो झटपट रेसिपी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स वेजेस फ्राई बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले सब्जियों को बॉईल कर लूँगी। इसमें मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे। अब इसमें मैं एक एक करके जो वेजेस हार्ड है, पकने में टाइम लगता है, वो यहाँ पे डाल दूंगी। जैसे कि गाजर को बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सबसे पहले गाजर को इसमें डाल दिया है। अब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद में जो सब्जियां हैं वो दे दूंगी। इसको ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पानी में उबाल लेना है। गाजर हल्का सा बॉयल होने के बाद मैं इसमें एक एक करके कॉलीफ्लावर, बेबी कॉर्न और जो आलू कट के रखे थे वो दे देंगे। इसको हम ज्यादा नहीं उबालेंगे क्योंकि इसका कलर चला जाता है, इससे इसका कलर ना जाए, इसीलिए मैंने इसको 2 मिनट तक उबालने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, मैंने सब्जी को बॉईल कर लिया है। अब इसको मैं डायरेक्ट गर्म पानी से उठाकर चिल्ड आइस वाटर में डाल देंगे ताकि इसका कलर जो है वो खराब ना हो। और इसको ठंडे पानी में भी हम 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। दो मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, मैं अब इसको पानी से इसको निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, सब्जियों को बाहर निकाल के करके मैंने इसको अलग करके रख दिया है। अब बाकी के प्रिपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सोया चंक को जो है उसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी, इसलिए कढ़ाई में थोड़ा सिसमी ऑयल दे के गर्म कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा सिसमी ऑयल ले लिया है। अब इसको गर्म होने के बाद थोड़ा गर्म कर लेते हैं और गर्म होने के बाद ये जो सोया चंक्स है इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सोया चंक्स दे देती हूँ। इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। सोया चंक्स मेरा हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको एक बोल में डाल लेती हूँ। बाकी के प्रिपरेशन के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। मैंने यहाँ सिसमी ऑयल ही यूज किया है। मैं ये पूरा जो रेसिपी है वो सिसमी ऑयल में ही करूँगी। अब ऑयल मेरा गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी गार्लिक ग्रेट किया हुआ और अदरक वो भी ग्रेट किया हुआ। अब मैं यहाँ ऐड करूंगी थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेते हैं इसके साथ। तेल में हरी मिर्च डालने से एक अलग खुशबू आता है, इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च डाल के थोड़ा भून लिया। अब मैं इसमें एक एक करके
ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर और रेड बेल पेपर ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको हल्के से फ्राई करने के बाद मैं इसमें बाकी जो सब्जियां हैं वो ऐड कर दूंगी। ये थोड़ा फ्राई हो जाए उसके बाद जो सब्जी मैंने उबाल कर रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है इससे, आप और भी कलरफुल सब्जी इसमें डाल सकते हैं। आप इसको कलर करने के लिए इसमें और भी कलरफुल सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे बीन, ब्रोकोली, कोई भी सब्जी आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स बेल पेपर मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी बॉईल किया हुआ सब्जी। इसको मैं हल्के हाथों से थोड़ा मिक्स कर दूंगी। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। और ग्रीन गार्लिक इसको मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लूंगी ताकि सब्जियां सूख ना जाए। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सोया चंक्स को। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी सफेद और काला तिल, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट सेसमी सीड्स थोड़ा सा। सेसमी सीड्स सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चाहे और भी डाल सकते हो, मैंने यह थोड़ा सा ही डाला है। मेरा ये सब्जी फ्राई हो गया है, अब मैं स्टार्ट करूंगी इसकी सीजनिंग। चलिए लेट्स स्टार्ट सीजनिंग के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, थोड़ी सी चिली सॉस, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उतना आप तीखापन इसका बढ़ा सकते हैं। चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए फ्रेंड्स वेजिस का जो कलर है वो कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने इसमें पहले सोया सॉस डाला था, सोया सॉस में भी नमक रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको नमक डालना है। अब मैं टेस्ट को थोड़ा बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा चीनी डाल दूंगी। चीनी डाल दिया है और मेरा जो ये रेसिपी है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। मेरा जो ये
रेसिपी है फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट्स डालूंगी जो कि इसकी टेस्ट और बढ़ा देगी। थोड़ा सा एरोमेट पाउडर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मेरा जो ये रेसिपी है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा तिल का तेल डाल के एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर रही हूँ। थोड़ा सा तिल का तेल मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे इसे इसमें अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मेरे जो ये रेसिपी है ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में ले लूँगी। फ्रेंड्स, मैंने इसको 15 मिनट के लिए स्टैंडिंग टाइम में रख दिए थे। अब मैं इसको एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो मिक्स वेज फ्राई रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुका है और मैं इसको एक सर्विंग बाउल में डाल दिए है और इसके ऊपर थोड़ा पनीर से मैंने गार्निश किया है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज चलती हूँ। स्टे सेफ, ईट हेल्दी, गुड बाय।